तो स्वागत है आप सबको हमारे हिंदी चैनल मारियास रेसिपी वर्ल्ड में। आज हम एक बहुत ही टेस्टी केरला ग्रीन कोकोनट चटनी बनाने वाले हैं। इसे हम डोसा, वड़ा और इडली के साथ भी खा सकते हैं। तो चले इससे बनाने के इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होते हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट, कुछ अनियंस, ग्रीन चिल्ली और कुछ करी पत्ते और अदरक जो छोटे छोटे पीसेस में काटे गए हैं। हम यहाँ एक टेबलस्पून बंगाल रोस्टेड ग्राम भी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहते हो तो इसे नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी इसमें मिलाकर हमें इन सबको अच्छे से ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे दिखेगी। अब हमें पैन गरम करना है और गरम होते ही हमें तेल डालना चाहिए। तेल गरम होते ही उसमें थोड़ा से मस्टर्ड सीड्स डालिए। मस्टर्ड सीड्स फूटते ही अब आप उसमें थोड़े प्याज, करी लीव्स और सूखे लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा। इसे अच्छे से फ्राई कीजिए ताकि चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और स्मेल आएगा। अब हमने जो मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड करके रखा था पैन में डालना है। यहाँ पे हम मिक्सर ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी यूज़ कर रहे हैं। अब उसे अच्छे से मिक्स कीजिए कि इसे लो फ्लेम में ही गरम करना है और इसे बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा ग्रीन कोकोनट चटनी अब खाने के लिए रेडी हो गया है। अब जैसे मैंने कहा था इडली, डोसा और वड़ा के साथ ये खाने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त साइड में जो बेल आइकन है उसको एक्टिव करना नहीं भूलेगा ताकि आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।